लास्ट वीडियो में मैंने आपको पार्टिकल इन एंड बॉक्स बताया था, ये उसी का पार्ट टू है उस वीडियो का। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, मैंने मॉडर्न फिजिक्स में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, जो पार्टिकल इन एंड इन्फाइनाइट सिमेट्रिकल बॉक्स, ठीक है। इस वीडियो में क्या बताऊंगा मैं आपको कि पार्टिकल इन्फाइनाइट सिमेट्रिकल बॉक्स में क्या आता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पे, जो लास्ट वीडियो में हमारे पे जीरो से ए था, तो इसमें हमारे पे एक इन्फाइनाइट सिमेट्रिकल बॉक्स आ गया ए बाई टू से लेकर जीरो प्लस ए बाई टू, ठीक है। ये आ गए इन्फाइनाइट, यहाँ पे है इन्फाइनाइट पोटेंशियल वी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आ जाएगा रीजन वन टू थ्री, ठीक है। हमारे पे क्या है, वी क्या आ जाएगा हमारे पे, वी आ जाएगा मेरे पास, वी आ जाएगा जीरो फॉर माइनस ए बाई टू इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए प्लस ए बाई टू, ठीक है, अदरवाइज इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे पे कंडीशन है पोटेंशियल की। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा हमें क्या आएगा, ज़ाई वन क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमारे ये प्रॉपर्टी होती है, और ज़ाई थ्री भी आ जाएगा जीरो। अब इसमें ज़ाई टू निकालने से पहले मैं आपको एक पैरिटी ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है हमारे पे पैरिटी ऑपरेटर, जो इसमें हमारे पे यूज होगा यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉक्स में, पैरिटी ऑपरेटर, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई ज़ाई ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर हम ज़ाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पे ज़ाई ऑफ एक्स आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम इवन पैरिटी, इवन पैरिटी, ठीक है। अगर हमारे पे पाई ऑफ ज़ाई ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ज़ाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ज़ाई ऑफ एक्स आ जाए, तो ये होती है हमारे पे ऑड पैरिटी। बस आपको इतना याद रखना है, अगर हमारे पे ज़ाई ऑफ माइनस एक्स अगर पॉजिटिव में आ जाए तभी हमारे पे इवन हो जाती है, अगर ज़ाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ाई ऑफ एक्स आ जाए तो हमारे पे ये ऑड पैरिटी हो जाती है। एक और इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, जो हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर का कम्यूटेटर हमेशा जीरो होता है, ठीक है। मतलब हैमिल्टोनियन और पैरिटी ऑपरेटर हमेशा कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब एच पाई इज इक्वल टू पाई एच, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसी पे फिर से क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है हमारे को, हाँ, अब हमने इसको यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इवन पैरिटी, इवन पैरिटी हमें जाई टू में निकालना है। जाई टू क्या होगा हमारे पे, सबसे पहले मैं इसकी जाई टू की इक्वेशन निकालना बता देता हूँ कि हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एच ऑफ जाई इज इक्वल टू ई ऑफ जाई, ये होती है हमारे पे, ये हमारे पे एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन, एच होता है हमारे पे हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हमारे पे जीरो है, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम, ठीक है। और पी क्या होता है हमारे, पैरिटी मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, माइनस ऑफ आई एच कट डी वाई डी एक्स, तो पी स्केयर आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ एच कट का स्केयर डी स्केयर अपॉन में डी एक्स का स्केयर, जो मेरे पे इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ये आ जाएगी मेरे पास कुछ इस तरह, माइनस ऑफ एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम डी स्केयर जाई टू अपॉन में डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू ई ऑफ जाई, और ये आ जाएगा मेरे पास डी स्केयर जाई टू अपॉन में डी एक्स का स्केयर प्लस का टू टाइम एम ई डिवाइडेड बाई एच कट का स्केयर इंटू जाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब मैं क्या करूँगा, टू टाइम एम ई अपॉन में एच कट का स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर ले लूँगा, जो मेरे पे के आ जाएगा मेरे पास रूट अंडर टू टाइम एम ई अपॉन में एच कट का स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पे इक्वेशन कैसे बन जाएगी, डी स्केयर जाई टू अपॉन में डी एक्स का स्केयर प्लस का के स्केयर जाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पे, ये मेरे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जो इसका सोल्यूशन आएगा, ए ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स, ठीक है। अब इवन इवन पैरिटी क्या बोलती है, मेरे को इवन इवन पैरिटी में क्या होता है, जाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जाई ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें होता है ये इवन पैरिटी में। तो जाई ऑफ, अगर मैं जाई ऑफ माइनस एक्स करूँगा तो ये आ जाएगा ए ई रेस टू दावर माइनस ऑफ ए रेस टू दावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स प्लस का बी ई रेस टू दावर आयोटा टाइम के एक्स, ठीक है। यहाँ हमारे पे एक्स ले आएंगे तो ये बी वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो ये कितना हो जाएगा, ए रेस टू दावर आयोटा टाइम के एक्स प्लस यहाँ आएगा प्लस बी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पे क्या आएगा कि
आप ऐसे कर लीजिए, ये हमारे ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा वाली टर्म है और ये ई रेज टू पावर माइनस आयोटा, तो इससे हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू बी। अब हम ये जाई टू में पुट कर लेंगे तो जो हमारे पे आ जाएगा साई टू इज इक्वल टू ए कॉमन आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स प्लस का ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स। ठीक है, अब हम डिवाइडेड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई टू कर लेंगे क्योंकि हमारे पे ये होता है, हमारे पे ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम क्रॉप के एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम इज इक्वल टू कॉस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जाई टू इज इक्वल टू, और जो मैं टू टाइम ए को मैं इसमें सी सी लेट कर लूँ क्योंकि ये भी हमारे पे कॉन्स्टेंट है, तो सी भी इसको मैंने सी ले लिया, तो ये आ जाएगा सी टाइम कॉस ऑफ के एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे, जाई टू एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू इज इक्वल टू जाई थ्री एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास सी टाइम कॉस ऑफ ए बाई टू के ए बाई टू। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब कॉस जीरो कब होता है हमारे पे, कॉस होता है हमारे पे जीरो, ये आ जाएगा मेरे पे कॉस सी सी इधर आ जाएगा, सी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस के ए बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और कॉस के ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ एन पाई बाई टू वेयर एन इज इक्वल टू 1 3 5 7, मतलब ऑड, वेयर एन बिलोंग्स टू ऑड। ठीक है, जब एन ऑड होगा तभी तो ये जीरो होगा। ठीक है, कॉस एन पाई बाई टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास के बाई टू इज इक्वल टू, के बाई टू इज इक्वल टू एन पाई बाई टू। ठीक है, और के इज इक्वल टू एन पाई बाई ए वेयर एन बिलोंग्स टू ऑड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, अभी आ जाएगा जो एन बिलोंग्स टू ऑड आ गया, जो एनर्जी हो जाएगी ई एन क्या होता है हमारे पे, एच कट का स्क्वेयर। नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा पहले आपको ऐसा बता देता हूँ, ई एन होती है हमारे पे पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम, क्योंकि हमारे पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, पी पी होता है हमारे पे एच कट के। ठीक है, ये आ जाएगा एच कट का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम के स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम ए स्क्वेयर वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू ऑड। ये आ गया हमारे पे इवन पैरिटी के लिए। अब मैं निकालता हूँ इसमें सेकंड केस ऑड पैरिटी के लिए। ठीक है, ऑड पैरिटी के लिए क्या आएगा मेरे पास, फॉर ऑड पैरिटी साई टू क्या था मेरे पास, ए साइन ऑफ, नहीं, हाँ ठीक है ठीक, नहीं ये नहीं था, साई टू इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स प्लस का ई रेज टू पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स, वेयर के इज इक्वल टू रूट अंडर टू टाइम एम ई डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास साई टू। अब ऑड पेरिटी में क्या होता है मेरे पास, जाई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ जाई ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं जाई ऑफ माइनस एक्स करूँगा, ये आ जाएगा ए ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स प्लस का, ये कॉन्स्टेंट भी आएगा यहाँ पे, बी ई रेज टू द पावर प्लस का आयोटा टाइम के एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स माइनस ऑफ बी ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पे ए इज इक्वल टू माइनस का बी। अब मैं ये इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर लूँगा जाई टू में, तो मेरे पे जाई टू आ जाएगा कुछ ऐसे, जाई टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पे ए कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स माइनस का ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे, मैं टू टाइम आई और मल्टीप्लाई में टू टाइम आई कर दूंगा मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हमारे पे ई रेज टू द पावर आयोटा टाइम के एक्स प्लस माइनस होता है, माइनस का ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा टाइम के एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम आई इज इक्वल टू साइन ऑफ के एक्स होता है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास जाई टू इज इक्वल टू टू टाइम आई ए साइन ऑफ के एक्स, वेयर अब हम टू टाइम आई ए क्योंकि हमारे पे ये कॉन्स्टेंट है, इसको मैं डी के डी ले लूँगा, तो जाई टू आ जाएगा डी साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे, दी बाउंड्री कंडीशन जाई टू एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू इज इक्वल टू जाई थ्री एट एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू। हम यहाँ पे माइनस ए बाई टू भी ले सकते हैं, उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने यहाँ प्लस ए बाई टू ले रखा है क्योंकि माइनस आगे जाके जीरो जीरो में ही वो आ जाएगा, माइनस हट जाएगा आगे जाके, तो ये आ जाएगा मेरे पास टी साइन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
तो साइन ऑफ के एक्स कितना आ जाएगा, जीरो। तो नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ आपको, साइन ऑफ के एक्स आ गया मेरे पे जीरो, ठीक है। तब ये मैं साइन कब जीरो होता है, साइन होता है हमारे पे, नहीं, ए बाई टू आएगा ना, गलती हो गई, यहाँ पे ए बाई टू आएगा क्योंकि हम एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू लिया हुआ है हमने, ए बाई टू, ठीक है। साइन जीरो को होता है एन पाई बाई टू पे, ठीक है। साइन होता है हमारे पे साइन के ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, ठीक है। साइन एन पाई जीरो होता है, ठीक है। साइन से साइन हट जाएगा तो ये आ जाएगा के ए बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। और के ए इज इक्वल टू टू टाइम एन पाई, ठीक है। के ए, हाँ ठीक है, के ए इज इक्वल टू टू टाइम एन पाई, तो के इज इक्वल टू टू टाइम एन पाई बाई टू, ठीक है। और टू टाइम एन क्या होगा हमारे पे, ऑड हो मतलब इवन होगा हमेशा, ठीक है। इसको मैं एन लिख सकता हूँ, ठीक है, एन पाई बाई टू, ठीक है। या भी मैं इसको लिख सकता हूँ एन बिलोंग्स टू इवन, क्योंकि ये टू टाइम एन हम हमेशा ऑड होगा। जैसे टू इंटू वन करेंगे, ये भी टू, टू इंटू टू फोर, टू इंटू थ्री सिक्स, ठीक है। ये हम हमेशा ऑड इवन होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इवन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पे आएगी के की वैल्यू। अब जो ई एन आ जाएगा हमारे पे, ई एन आ जाएगा मेरे पे, ई क्या होता है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम एन, पी क्या होता है हमारे पे, पी इज इक्वल टू एच कट के, ठीक है। वेयर एच कट है ना, ये होता है एच डिवाइडेड बाई टू टाइम एम, जो एच है हमारे पे वो है हमारे पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। एच कट का स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम, ये आ जाएगा एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम ए स्केयर, जो हमारे पे ये गलती हो गई है, ये ए है, ये ए है, ये है मेरे पास ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पे एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू जो हमने इवन पैरिटी में निकाली थी वो भी सेम थी, ये भी सेम है, बस एक एक। अब मैं आपको इसका इसको एक अलग से डिफ्रेंशिएट करके बता देता हूँ एक साथ। ये हमारे पे इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे पे कभी कभार डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सिमेट्रिकल बॉक्स पे ही। पहले मैं बताया था इवन पैरिटी और इस साइड मैं बताया था ऑड पैरिटी के बारे में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नॉर्मलाइजेशन का ये कॉन्स्टेंट है, जैसे कि हमारे पे जाई टू इज इक्वल टू सी टाइम साइन ऑफ के एक्स है। अगर हमें इसका कॉन्स्टेंट निकालना हो वो हम कैसे निकालते हैं, जीरो से लेकर ए तक है, नहीं जी, या फिर इसमें हम ले लेते हैं माइनस ए बाई टू से लेकर प्लस ए बाई टू तक है, ठीक है। मॉड सी स्क्वायर कॉस ऑफ के ए बाई टू का स्केयर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन। ये हमारे पे इसलिए आया है क्योंकि हमारे पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, हमारे पे इंटीग्रेशन में जाई स्टार जाई इज इक्वल टू वन, ये हमारे पे नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। तो यहाँ से आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी मेरे पास रूट अंडर टू डिवाइड बाई ए, ठीक है। आप इसको खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अब ये आ जाएगा मेरे पास इवन है ना, इवन पैरिटी में क्या आया था हमारे पास, फिर से देख लेते हैं। इवन पैरिटी में हमारे पे आया था कॉस और ऑड पैरिटी में आया था हमारे पे साइन। इवन पैरिटी में था हमारे पे जो जाई एन हो जाएगा इवन पैरिटी का, ये हो जाएगा रूट अंडर टू बाई ए कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में ए, ठीक है। और जो ई एन होगा ई एन इज इक्वल टू एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाय टू टाइम एम ए स्केयर, वेयर एन बिलोंग्स टू इवन ऑड नंबर, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, इवन पैरिटी में जो हमारे पे एन की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पे ऑड, और जो ऑड पैरिटी में होगी जाई एन रूट अंडर टू डिवाइडेड बाई ए साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन में ए, ठीक है। और जो ई एन आ जाएगा यहाँ हमारे पे पाई स्केयर एच कट का स्केयर एन स्केयर पाई स्केयर एच कट का स्केयर डिवाइडेड बाई टू टाइम एम ए स्केयर, और जो एन बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये चीज़ आपको याद रखनी है इस पूरे इसमें, ठीक है। बाकी डेरिवेशन इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको ये दो चीज़ें, ये चार्ट मैंने आपको लास्ट में बना के बताया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि हम इवन पैरिटी में क्या आएगा और ऑड पैरिटी में इवन ऑड पैरिटी में क्या आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल में डालता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।